बैटल ऑफ प्लेसी। तो यहाँ पे हमें बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में बताया है। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल में रूल कर रहे थे उस समय पे, जो है बंगाल में उनका शासन था एंड उनका जो इम्पल्सिव नेचर था यानी कि उनका जो नेचर था वो काफ़ी उतावलेपन वाला था, जिसकी वजह से उनके ही स्टेट में उनके काफ़ी सारे ओपोनेंट्स विरोधी थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट ए फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रेटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब, बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि उस टाइम पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उनके जो भी फोर्ट थे उनके चारों तरफ जो है फोर्ट्रेस करवा, यानी कि किले के चारों तरफ जो है किलेबंदी करवा ली। और यहाँ पे जो है उसके बाद में यह जो काम है उन्होंने यहाँ पे नवाब की परमिशन लिए बिना किया, जिसकी वजह से बाद में सिराजुद्दौला को जो पता चला तो उन्होंने जो है इसे डिस्ट्रॉय करवा दिया। When this news reached Madras, Chennai, a small army of the company, led by the Robert Clive, reached Bengal in order to help the Kolkata trade center. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जब यह न्यूज़ जो है यहाँ पे मद्रास चेन्नई जो है पहुँची तो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव जो है उनकी एक छोटी जो आर्मी थी वह कंपनी की जो है मदद करने के लिए कोलकाता के ट्रेड सेंटर पे जो है वह यहाँ पे बंगाल में आई। In spite of the army of the East India Company being the strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. So the Robert Clive resorted to treachery. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह काफ़ी स्ट्रांग थी, उनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी, फिर भी उन्हें लगा कि वे जो है यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है उनकी यहाँ पे जो आर्मी है उनको नहीं हरा पाएगी, उनको हराना इतना ईजी नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जो है षड्यंत्र रचा। A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mirzafar and Seth Ami Chand were coaxed to join. On the pretext that the Nawab's unsuccessfully harassing the peoples, a war was declared at a ground near the village named Plessy. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उसके बाद में उन्होंने जो है यहाँ पे षड्यंत्र की जो रचना की रॉबर्ट क्लाइव उसमें जो है उन्होंने यहाँ पे जो नवाब के कमांडर है मिर्जाफर उनको एंड सेठ अमी चंद को जो है अपने में ज्वाइन किया, उसने जो है अपने षड्यंत्र में उन्हें ज्वाइन किया, जिसकी वजह से आगे चलकर जो है यहाँ पे नवाब को उन्होंने यहाँ पे अनसक्सेस जो है अननेसेसरीली मतलब लोगों को परेशान करने का बहाना लगाकर जो है उन्होंने यहाँ पे प्लासी के बाजू के गांव में जो है यहाँ पे वॉर डिक्लेयर किया। द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि प्लासी का युद्ध जो है वह यहाँ पे 23 जून 1757 को हुआ था। द बैटल फील्ड ऑफ प्लेसी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम द मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो ये प्लेस थी यहाँ पे यह युद्ध हुआ था वह जो है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से जो है 38 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह प्लेसी ग्राउंड यह जो है आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्लान मिर्जाफर लॉस्ट द बैटल। और प्लान के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मिर्जाफर जो है युद्ध में हार गया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वह युद्ध में हार गए एंड ड्यू टू द रॉबर्ट क्लाइव ट्रीचरी द बैटल ऑफ प्लेसी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। एंड यहाँ पे जो है यह रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र था जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लेसी यानी कि प्लासी का युद्ध जो था वह आधे दिन में ही जो है यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट ए फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास एंड यहाँ पे कंपनी को जो है 24 परगनास की जो है जागीर भी मिली। मिर्जाफर वॉज मेट द नवाब ऑफ बंगाल। अब आगे चलकर जो है यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है हार गए, अब आगे चलकर यहाँ पे मिर्जाफर जो है वे बंगाल के नवाब बने। दस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इस तरह से 1757 में जो है प्लासी के युद्ध के द्वारा जो है इंडिया में कंपनी ने अपनी जो सत्ता है वह यहाँ पे रखी थी, कि उन्होंने अपने रूल्स जो है वह यहाँ पे रखा।
नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ बक्सर, तो यहाँ पे हमें बक्सर का जो युद्ध है उसके विषय में बताया गया है। द ब्रिटिशर्स मेट द मिर्जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट द प्रिटेक्स्ट ट्राई टू द एक्सट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ द वेल्थ फ्रॉम हिम ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज द डेथ्रोन मिर्जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि बैटल ऑफ बक्सर में जो है मिर्जाफर को जो है यहाँ पे बंगाल का नवाब बना गया एंड उसके बाद में जो है उसे अलग अलग तरह से जो है यहाँ पे धन वसूली करने लगे थे एंड उनकी लालच जो है यह जो है बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा जो है कंपनी का रूल्स चाहिए था एंड ज़्यादा जो है उन्हें पैसे यहाँ पे चाहिए थे एंड इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मिर्जाफर को हटाकर उसकी जगह पर मीर कासिम जो है उसे बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम प्रूव टू मोर एम्बिशियस दैन द मिर्जाफर एंड द बिकम थ्रेट फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि मीर कासिम जो था वह कंपनी के लिए जो है उससे ज़्यादा जो है खतरनाक साबित हुआ। मीर कासिम जो है मिर्जाफर से ज़्यादा खतरनाक हुआ जिसकी वजह से कंपनी को अब मीर कासिम से डर लगने लगा। फिर उन्होंने फिर से मीर कासिम को जो है वहाँ से जो है नवाब पद से हटा कर मिर्जाफर को नवाब बनाया एंड अब मीर कासिम टुक द रिफ्यूज़ विद द नवाब ऑफ अवध। तो अब यहाँ पे मीर कासिम जो है वे जो है अवध के नवाब के पास वे गए। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध एंड उस टाइम पे अवध में जो है शाह आलम जो है मुगल एम्परर के वे आए हुए थे। सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स टू फाइट द कंपनी यूनाइटेडली एंड दस द डिक्लेयर ए वॉर एंड उस तीनों ने मिलकर यहाँ पे जो है कंपनी के अगेंस्ट में जो है वॉर डिक्लेयर किया। एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 अक्टूबर 1764 इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि बक्सर ईस्ट इंडिया बक्सर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है 22 अक्टूबर 1764 को जो है यहाँ पे उन्होंने युद्ध किया जिसमें कि जो है वे लोग यहाँ पे हार गए। दस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स राइट टू द कलेक्ट रिवेन्यू ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि वे हार गए थे जिसकी वजह से भी यहाँ पे कंपनी को जो है दीवानी सत्ता भी प्राप्त हुई एंड यहाँ पे उन्होंने जो है उनको बंगाल बिहार और ओडिशा में जो है दीवानी राइट्स वगैरह मिल गए थे। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल। नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पे कंपनी के जो रूल है उसके विषय में बताया गया है। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल ट्रेड एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। देन द मद्रास मुंबई गवर्नर His council were brought under him. Thus the Warren Hastings became the first Governor General of India. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि अंग्रेज सरकार जो है उन्होंने यहाँ पे 1773 में जो है यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट जो है वह पास किया एंड उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर जो है कंपनी के जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स थे तथा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वगैरह थे उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल में रखा गया एंड उसके अंडर में जो है यहाँ पे मुंबई और मद्रास के गवर्नर को उनके काउंसिल में भी रखा गया। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वह भारत के जो है इंडिया के जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ड्यूरिंग दिस टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विद द हैदर अली ऑफ द मैसूर वॉज वेज। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उस टाइम पे जो है फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर जो है वो हैदर अली के साथ जो है हुआ। द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर्स सिमुलेटरी। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि यहाँ पे कंपनी के लिए जो है यह एक प्रॉब्लम्स की तरह क्रिएट हुई कि उन्हें दोनों के साथ जो है फर्स्ट मराठा वार एंड सेकंड जो मैसूर वार हुआ उन दोनों के लिए जो है यहाँ पे उन दोनों की जो है पावर्स जो है काफ़ी ज़्यादा थे जिसकी वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यह प्रॉब्लम हुई कि दोनों को एक साथ जो है वह कैसे हैंडल करें। कार्नवालिस टुक ओवर एज अ गवर्नर जनरल आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो है कार्नवालिस जो है वह गवर्नर जनरल बना।
ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कार्नवालिस द थर्ड मैसूर वार टुक प्लेस विद द टिप्पू सुल्तान फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, कार्नवालिस के टाइम पे जो है थर्ड मैसूर वार जो है वह हुआ, जो कि यहाँ पे जो है वह टिप्पू सुल्तान के साथ हुआ, और टिप्पू सुल्तान को जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है कि मैसूर का बाघ। द कंपनी हैड जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट द टिपू सुल्तान। टिपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू द एक्सेप्ट द ट्रीटी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, कंपनी ने जो है टिपू सुल्तान के साथ वार करने के लिए, युद्ध करने के लिए जो है यहाँ पे निज़ाम एंड मराठा जो है उन दोनों की हेल्प ली, एंड टिपू सुल्तान जो है यहाँ पे इनके सामने जो है युद्ध में नहीं जीते, जिसकी वजह से अब यहाँ पे टिपू सुल्तान को ट्रीटी यानी जो उन्होंने संधि की वह एक्सेप्ट करनी पड़ी। After Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General due to the some rigid policies accepted by him. The East India Company's fame declined and Marathas became stronger. So the Governor General Wellesley, who came after the John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. For this, the Wellesley introduced the subsidiary alliance system. The conditions of the system and the states adopted under this are as follows. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि कॉर्नवालिस के बाद जो है यहाँ पे सर जॉन शोर जो है वह गवर्नर जनरल बने एंड उनके द्वारा जो भी यहाँ पे पॉलिसीज एक्सेप्ट की गई थी, रिजिड पॉलिसी यानी कि तटस्थता की जो नीति थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है यहाँ पे उनकी जो फेम थी वह डिक्लाइन हुए एंड मराठास जो थे वे ज़्यादा स्ट्रांग बने। एंड यहाँ पे जो है उनके बाद में जो है यहाँ पे जनरल गवर्नर के रूप में जो है वेलेस्ली आए, अब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि सर जॉन शोर जो है उनकी जो यहाँ पे रिजिड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कंपनी की जो फेम है वह डाउन हो गई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे सोचा कि अब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कंपनी को जो है यहाँ पे इंडिया में सुप्रीम बनाना है। एंड वेलेस्ली ने यहाँ पे जो है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है वह इंट्रोड्यूस किया एंड उसको एक्सेप्ट करने वाले स्टेट्स एंड उसकी जो यहाँ पे सिस्टम्स थे, कंडीशंस जो थे वह यहाँ पे हमें बताए गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। द आर्मी ट्रेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर विल बी प्रोवाइडेड टू दैट स्टेट एक्सेप्ट द सिस्टम। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जो है यहाँ पे कंपनी उन स्टेट्स को जो है यहाँ पे उनकी जो भी कंपनी को जो है कंपनी की तरफ से ट्रेन जो है आर्मी वह उस स्टेट्स को देगी जो लोग जो है यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है जो स्टेट एक्सेप्ट करेगा उसे। In return, the state accepting the system will provide for the army or give away the province with the equivalent income to the British. तो इसके बदले में जो है यहाँ पे योजना जो भी एक्सेप्ट करने वाले हैं उन स्टेट्स को जो है उनके आर्मी का जो है यहाँ पे जो भी मतलब रिटर्न्स वगैरह वो देना पड़ेगा, या तो उसके बदले में उतनी इनकम वाले जो भी प्रदेश है वह सारे उन्हें जो है यहाँ पे देने पड़ेंगे ब्रिटिश को। Without the permission of the company, the state will not wage or war to sign treaty with the other states. तो जो भी states जो है यह policy accept करते हैं वो लोग जो है वहाँ पे company की permission लिए बिना किसी भी other state के साथ ना तो जो है यहाँ पे वेज कर सकते हैं, ना ही वो लोग जो है यहाँ पे treaty कर सकते हैं, कि ना वो लोग किसी के साथ मतलब वार कर सकते हैं ना ही treaty कर सकते हैं। There will be the one इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली, एंड यहाँ पे उनके असेंबली में है जो है एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अंग्रेज प्रतिनिधि को जो है रखना होगा। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, कि बाहर के आने वाले जो भी यहाँ पे अदर फॉरेनर्स है उनको यहाँ पे एम्प्लॉयड की तरह से स्टेट में नहीं रखा जाएगा। एंड जो ये पॉलिसी एक्सेप्ट करने वाले स्टेट्स थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है वह किसने एक्सेप्ट की थी, निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर। दिस सिस्टम वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि यह जो सिस्टम था यह एक स्वीट पॉइजन यानी कि मीठे जहर के समान
थी। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम द वेलेसली एनेक्स्ड मेनी प्रोविनेंस एंड द एक्सपांडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल वेलेसली आस्क्ड टिप्पू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम। देन द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम अटैक्ड मैसूर इन 1799। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टिप्पू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि यह जो सिस्टम था एक स्वीट पॉइजन की तरह था, एंड उसमें जो है इस पॉलिसीज़ को जो है यहाँ पे लगा करके इसको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करवा कर जो है यहाँ पे वेलेसली ने जो है कंपनी के विस्तार को बढ़ाना चाहा था, और बहुत से प्रदेशों को जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल भी कर दिया था। एंड गवर्नर जनरल वेलेसली ने जो है टीपू सुल्तान को जो है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने को कहा, बट जब उन्होंने मना किया तो जो है उनके अगेंस्ट यहाँ पे जो है वार डिक्लेयर किया। एंड 1799 में उन्होंने जो है यहाँ पे उन अटैक किया, एंड उसके बाद में इस जो है यह वार में इस युद्ध में जो है यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है वह जो है हार गए थे, एंड उनके यहाँ पे जो है डेथ हो गई थी। आफ्टर वेलेसली द हेसिटिंग केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल ही वेस्ट ए वार विद द नेपाल एंड मेट द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि वेलेसली के बाद में जो है इंडिया में गवर्नर जनरल के रूप में जो है हेस्टिंग्स आए, एंड उसने जो है नेपाल के साथ युद्ध करके जो भी वहाँ पे गुरखास थे उनको यहाँ पे जो है आर्मी में उन्होंने शामिल किया। हेस्टिंग्स फॉट ए बैटल विद द पिंडाराज एंड टुक कंट्रोल ओवर दैम विद द थर्ड मराठा वार द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टाब्लिश। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो यहाँ पे थर्ड मराठा वार हुआ यानी कि तीसरा मराठा युद्ध हुआ उसकी कंपनी जो है सर्वोपरिता स्थापित की, एंड उसके बाद में आगे चलकर बताया है कि इन कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि आगे के जो भी गवर्नर जनरल थे उन सब में विलियम बेंटिक जो है वे लिबरल गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए। बेंटिक बिलीव दैट द डिससेटिस्फेक्शन इन द डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू द इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल कुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी द यूनिटी सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हीज डीड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि विलियम बेंटिक का मानना था कि उसके पहले के जो भी गवर्नर जनरल आए उन लोगों ने जो भी पॉलिसीज एक्सेप्ट की जिसकी वजह से स्टेट्स में जो है काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन जो है वह फैला हुआ था, एंड वह असंतोष जो है यहाँ पे आगे चलकर यूनिटी न बन जाए इसके लिए वे जो है काफ़ी लिबरली जो है यहाँ पे वर्क करते थे। डलहौजी कम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन 1848। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उसके बाद में जो है डलहौजी जो है इंडिया में आए, एंड 1848 में जो है वे गवर्नर जनरल बने। ही वॉज अ फायर्स इम्पेरियलिस्ट। तो यहाँ पे बताया मैं कि वे जो है यहाँ पे उग्रवादी मानसिकता वाले व्यक्ति थे। डलहौजी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन फॉर द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी एंड द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि डलहौजी ने जो है यहाँ पे अनेक्सेशन की जो है पॉलिसी एक्सेप्ट की वह जो है कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, एंड जो है ब्रिटिश इंपेरियलिज्म करने के लिए जो है उन्होंने अनेक्सेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट की। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।